इंटास प्रस्तुत करते हैं टेरिफ्रेक। टेरी पैराटाइट का एक ब्रांड जो एक रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन पैराथायरॉयड हार्मोन है। टेरिफ्रेक हड्डियों के पुनर्निर्माण और फ्रैक्चर को अच्छा करने में मदद करता है। टेरिफ्रेक पेन एक वर्ल्ड क्लास बेक्टन डिकिंसन सेल्फ इंजेक्शन सिस्टम है। टेरिफ्रेक ये टेरी पैराटाइट का पहला ब्रांड है जो कि टेरिफ्रेक पेन माध्यम में उपलब्ध है और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बनावट बीडी नीडल की है जो पेन डिवाइस में सबसे उचित है। टेरिफ्रेक पेन इस्तेमाल करने में बहुत आसान है और ये दुनिया के सबसे छोटे 31 गेज पेन सुई के साथ आता है। चलिए अब आपको टेरिफ्रेक पेन को टेरिफ्रेक कार्ट्रिज के साथ इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। हाय विकी। हेलो रीमा आंटी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत अच्छा। चलो अंदर तो आओ। मैं आपके लिए दवाई लाया हूँ जो डॉक्टर ने आपके लिए प्रिस्क्राइब की है। मैं आपके लिए टेरिफ्रेक पेन और कार्ट्रिज लाया हूँ। थैंक यू डियर, पर इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे पता नहीं। चिंता मत करो आंटी, मैं आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। अब देखिए, टेरिफ्रेक पेन इस तरह से डिजाइन किया है कि सब लोग इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और इस्तेमाल में आसान है। अपने हाथ अच्छी तरह से धोकर इंजेक्शन देने वाली जगह को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करें। ये है टेरिफ्रेक पेन इंजेक्शन। टेरिफ्रेक इंजेक्शन के चार प्रमुख हिस्से हैं: कैप, डोज डायलर, कार्ट्रिज होल्डर और पेन बॉडी। पहला स्टेप है टेरिफ्रेक इंजेक्शन को भरना। ये करने के लिए टेरिफ्रेक इंजेक्शन को हाथ में पकड़ें और टेरिफ्रेक इंजेक्शन कैप को दूसरे हाथ से खींचकर निकालें। उसके बाद कार्ट्रिज होल्डर को पेन बॉडी से घुमाएं जब तक वो रुके नहीं, और फिर खींचकर अलग करें। कार्ट्रिज को ऐसे अंदर डालें कि उसका मेटल कैप पहले अंदर जाए। अगर आप दो प्रकार के औषधि कार्ट्रिज इस्तेमाल कर रहे हो तो आप दो अलग अलग पेन इंजेक्टर्स का इस्तेमाल करें। आधे इस्तेमाल किए हुए कार्ट्रिज को दूसरे कार्ट्रिज के साथ ना बदलें। पेन बॉडी को कार्ट्रिज होल्डर पर नीचे खींच लें, फिर दबाएं और दोनों को घुमा के एक दूसरे के साथ जोड़ दें। सफेद और नीली निशानी एक दूसरे के सामने आ जाएगी, तब समझिए कि दोनों का लॉकिंग परफेक्ट हो। टेरिफ्रेक इंजेक्शन भरते समय सिर्फ नई कार्ट्रिज इस्तेमाल करें, आधी भरी हुई कार्ट्रिज इस्तेमाल ना करें। नई पेन की सुई के पीछे से पेपर टैप को निकाल लीजिए। आगे जाके पेन की सुई को जोड़ दें, कार्ट्रिज होल्डर को पकड़ के रखें। पेन नीडल यूनिट को टेरिफ्रेक पेन इंजेक्टर पर दबाएं, फिर पेन नीडल के कवर को कार्ट्रिज होल्डर पर घुमाएं। धीरे से खींचकर पेन नीडल कवर को निकाल दें और बाद में इस्तेमाल करने के लिए पास में रख दें। ये कवर इंजेक्शन देने के बाद पेन नीडल को टेरिफ्रेक पेन से निकालने में जरूरी होता है। ये करने के लिए पहले सावधानी से पेन नीडल के अंदर का कवर निकाल दें, फिर टी नीडल को ऊपरी दिशा में लेकर टेरिफ्रेक इंजेक्शन को पकड़ के रखें। कार्ट्रिज होल्डर को हल्के से टैप कीजिए। ऐसा करने से एयर बबल्स कार्ट्रिज के ऊपरी हिस्से में आ जाएंगे। छोटे बबल्स पीछे रहने से डोज पर ज्यादा असर नहीं होगा। अब आपको इंजेक्शन डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना है। ऐसा करने के लिए डोजेज डायलर को 2 पर सेट करें, फिर नीडल को ऊपरी दिशा में रखकर बटन को अंगूठे से पूरी तरह दबाएं। अगर दवाई की बूंदें नीडल से बाहर आ रही हो तो डिवाइस इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, अगर नहीं तो पूरे 2 यूनिट तक और घुमाएं। बटन को अंगूठे से पूरी तरह दबाएं और फिर से जांच लें। पेन नीडल की टिप तक दवाई दिखाई देने तक ये प्रक्रिया जारी रखें। आपका डोज सेट करने के लिए डोज डायलर तब तक घुमाएं जब तक नंबर 8 डोज विंडो के सेंटर में दिखाई न दे। हर यूनिट बढ़ाने पर एक तरह की क्लिकिंग आवाज आएगी। सही डोज नापने के लिए आवाज की गिनती करने की कोशिश ना करें। सही डोज के लिए एरो निशान को डोज नंबर से मिलाएं। अगर आपने डोज डायलर निर्धारित डोज के आगे घुमा दिया, उदाहरण के लिए अगर आपको 8 डायल करना था और आपने गलती से 10 डायल किया, तो फिर से उल्टी दिशा में डायल ना करें। डोज डायलर को घुमा लें ताकि वो पूरी तरह बाहर निकले। अब बटन को अंगूठे से पूरी तरह से दबाएं। दवाई को तैयार किए बिना डायलर को 0 पर फिर से सेट कर दें। अब उचित डोज को डायल कीजिए और आगे बढ़ें। उचित डोज सेट करने के बाद
टेरिफ्रेक पेन इंजेक्टर इंजेक्शन के लिए तैयार है। जहाँ पे इंजेक्शन लगाना है उस जगह की त्वचा को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करें और सूखने दें। उसी जगह पर पेन को 90 डिग्री पे रखें। सुई त्वचा के अंदर जाने के बाद अपने अंगूठे से बटन पूरा अंदर जाने तक दबाएं और थोड़ी देर तक उसे दबा के रखें। दवा देते समय क्लिकिंग आवाज सुनाई देगी। पेन को निकालने से पहले बटन को अंगूठे से दबाए रखें कुछ समय तक। ऐसा करने से दवाई ना ड्रिप करेगी और ना ही नीडल में वापस आएगी। ओह, ये तो सच में दुख नहीं रहा है। यदि दबाते समय बटन बीच में ही रुक जाता है और डोज विंडो में जीरो नहीं दिखाता है, इसका ये मतलब है कि कार्ट्रिज खाली और पूरी दवाई यूज की गई है। कितनी मात्रा दवाई की अभी भी लेनी बाकी है वो डोज विंडो में जांच लें। उस नंबर को लिख लें। अब डोज डायलर को जीरो पे फिर से सेट कर दें। टेरिफ्रेक पेन इंजेक्टर को पकड़ के उसके डोज डायलर को घुमाएं पूरा बाहर निकलने तक। अब बटन को फिर से पूरा दबा दीजिए जीरो तक। पेन में से कार्ट्रिज होल्डर को सही तरीके से घुमाकर उसमें से खाली कार्ट्रिज को निकाल दीजिए। नई कार्ट्रिज को डालें और दवाई के बहाव को जांच लें पहले दी गई सूचना के अनुसार। पहले नोट की गई मात्रा को सेट कर दें और सुई को त्वचा में डाल, इससे दवाई की मात्रा पूरी हो। कार्ट्रिज को फिर से डालने से पहले ध्यान से जांच लें कि पेन की सुई यूनिट टेरिफ्रिक पेन इंजेक्टर से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। मैं पेन की सुई को सावधानी से कैसे निकाल के फेंकूं? सबसे पहले ध्यान से सुई को उसके कवर से ढक दें, फिर टेरिफ्रिक पेन इंजेक्टर को कार्ट्रिज होल्डर से कस के पकड़िए और पेन की सुई को घुमाकर सुई के ढक्कन को कार्ट्रिज होल्डर से निकाल के उसे फेंक दीजिए। मैं टेरिफ्रिक पेन इंजेक्टर को कहां और कैसे संभाल के रखूं? उसको संभाल कर रखने के लिए टेरिफ्रिक पेन इंजेक्टर को केस में रख दें। ये टेरिफ्रिक पेन इंजेक्टर इस तरह से बनाया गया है कि वो एकदम सही और भरोसेमंद परिणाम देगा। नया कार्ट्रिज हर बार इस्तेमाल करने के बाद रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में रख दें। ध्यान रखें, जब डिवाइस में कार्ट्रिज भी जुड़ा हुआ हो तो उसे फ्रीज ना करें। डिवाइस को धूप से बचाएं। पेन को कभी भी पानी या स्ट्रॉन्ग सर्जिकल डिसइंफेक्टेंट से ना धोएं। केवल साफ और हल्के गीले कपड़े से उसे रोज साफ कीजिए। उसे मिट्टी, नमी, अधिक गर्मी या ठंड में खुला ना रखें। यदि किसी कारण से डिवाइस काम नहीं कर रहा हो तो उसे खुद रिपेयर करने की कोशिश ना करें। अपने नजदीकी टेरिफ्रिक उपभोक्ता से संपर्क करें। एक टेरिफ्रिक पेन इंजेक्टर को सिर्फ एक ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, उसे दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए। थैंक यू विक्की, टेरिफ्रिक पेन सच में एक वरदान है। विकी, मैंने दवाई ली और इस्तेमाल करने में टेरिफ्रैक पेन बहुत आसान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंटर्स पेश करते हैं टेरिफ्रैक पेन।